हमारे पास में ये सेटअप है, जब आप इस सेटअप में दो तार मैंने नीचे कनेक्शन करे हुए हैं, ये एक वायर है, दूसरा वायर है। तो क्या होता है, करंट जाता है इस वाले वायर से करंट जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ जाता है, और यहाँ से करंट आता है किस तरफ, नीचे की तरफ। तो इन दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन सेम या अपोजिट? एक में करंट अगर ऊपर है तो दूसरे में करंट किस तरफ है, नीचे की तरफ। ये एरोज हैं जो कि करंट के डायरेक्शन को दिखाने में काम है। अब मैं इसमें करंट फ्लो करा दूँ तो आप देखना ये दोनों के दोनों वायर क्या करते हैं। क्या होता है दोनों के बीच में, देख सकते हैं दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन की करंट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब अगर मैं करंट का डायरेक्शन सेम करूँ, तो करंट का डायरेक्शन मैं सेम कर देता हूँ। करंट का डायरेक्शन सेम करने के लिए थोड़े कनेक्शन चेंज करने होंगे हमें। मैंने कनेक्शन इस तरीके से करे कि अब दोनों का जो नीचे वाला सिरा है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ऊपर वाला सिरा नेगेटिव से। तो नीचे वाले वायर में, इधर वाले वायर में करंट जाएगा किस तरफ, ऊपर की तरफ, और इस वाले वायर में भी करंट किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और अब देखते हैं कि अब इन दोनों तारों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। अब दोनों के बीच में करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दिखा क्या। अब ये तार दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को दिख रहा है क्या, क्या है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन है। तो सेम सेंस की जो करंट है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट सेंस के करंट क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सर, थैंक यू।